वेरी मच सूरज जी, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शरद जी हुआ करते थे उस इलाके में। आप सीताराम जी, आदरणीय शरद जी, अली अमर भाई एंड ऑल ऑफ यू, बीते दिनों आप ही लोगों से संवाद कर रहा हूँ। साझी विरासत को फिर से चर्चा में लाने के लिए आदरणीय शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हम सफर रहे हैं सीताराम जी, और हम सचमुच के हम सफर रहे जब हम जयपुर से लौट रहे थे। एंड आई थैंक हिम, आई सॉ अ बुक इन हिज हैंड एंड आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट, डेविड गोडाइस E=MC² की कहानी। बहरहाल आज मैं आपके सामने सिर्फ 8 से 7 मिनट में, क्योंकि एक मुआफ़ीनामा देना आपके नाम जरूरी है। हमारी सदी ने, हमारे जनरेशन ने, मैं 50 का हो रहा हूँ, उतना नहीं किया जितनी हमसे अपेक्षा थी। हम डेमोक्रेसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चले गए कि जमहूरियत है तो बनी रहेगी। इन दिनों मैंने एक काम करना शुरू किया है, डेमोक्रेसी को मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखता हूँ, और देखने की शुरुआत की है थैंक्स टू यू ऑल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र, जनतंत्र, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले की कृपा से अपने आप चलता रहेगा। अगर नीचे वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ना, तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। उस डेमोक्रेसी में, मदरबोर्ड में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आ जाता है। हम सब इक्वालिटी, समानता, न्याय, आजादी और सेक्युलरिज्म को अलग अलग देखते हैं। ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो साथ में नहीं चलेगा। अगर आजादी चाहिए तो न्याय के साथ आजादी होगी, अगर न्याय चाहिए तो समानता के साथ होगी, समानता चाहिए तो बिना सेक्युलरिज्म के नहीं हो सकता। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पर है। बहुत विचित्र तौर से सिर्फ अपने मुल्क को मत देखिए, और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि 4 साल में 3.5 साल में सब कुछ। डेमोक्रेसी बीमार पड़ती रही, उसने संकेत दिए कि मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, और हम इत्मीनान से रहे कि डेमोक्रेसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस डेमोक्रेसी के पीछे बाबा साहब एक संविधान छोड़ के गए, नेहरू कुछ संस्थाएं छोड़ गए, और गांधी कुछ दर्शन छोड़ गए। गांधी चश्मे में चले गए, बाबा साहब का सिर्फ माल्यार्पण होता है, और नेहरू की तो खैर मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। गांधी वाला मुकदमा खुला है, हो सकता है ये साबित कर दिया जाए कि या तो गांधी ने आत्महत्या की थी या नेहरू का उसमें कोई वो शरीक गुनाह। लबोलुबाब यह है कि आज जब हम इस चौराहे पे खड़े और चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, तो इस मदरबोर्ड को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बचाया जाए? ये काम अकेले शरद जी से नहीं होगा, अली अनवर और कॉमरेड सीताराम येचुरी से नहीं होगा। ये काम अगर होगा आप लोगों से होगा। आप सवाल पूछना शुरू कीजिए, हमसे भी पूछिए। हमारी आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसके लिए बाबा साहब आगाह करके गए, हीरो मत बनाओ किसी को, किसी की पूजा मत करो, और हम पूजा में ही तल्लीन हो गए। उसके लिए फल फूल मिठाई लाते गए जिसको हमने हीरो बनाया, और वो हीरो, हीरो को मिनट भर लगता है तानाशाह बनने में, मिनट, और जब वो तानाशाह बन जाएगा तो आपकी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, आपकी रवायतें खत्म हो जाएंगी, आप सवाल भी नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि जितने सवाल पूछने के स्पेस हैं वहां पर आप कहोगे कि भुखमरी की बात हो। आज मैंने सुबह आंकड़ा देखा, ऐसा नहीं कि नई कुछ बात सुन ली, पता था कि हमारे मुल्क की प्राथमिकता क्या है, और मैं बार बार कह रहा हूं 70 साल भी इसके लिए गुनहगार, 70 साल हम चुप रहे, 70 साल हमने मान लिया कि पॉलिटिकल पार्टी ही क्रांतिकारी बदलाव ले आएंगी। कभी ए में भरोसा किया, कभी बी में भरोसा किया, कभी सी में भरोसा किया, हमने अपनी एजेंसी, अपनी इयत्ता पॉलिटिकल पार्टी को सौंप दी। ऐसा ना करिए, वोट देना एक बात है लेकिन भागीदारी 5 साल चलती है, हिस्सेदारी की कहानी 5 साल चलती है। अगर 70 साल में आपके मुल्क में सीवर में जाने वाले की जात नहीं बदली है तो हुजूर कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। चंद लोगों के कारण हम मान लें कि दुनिया बदल गई, बिल्कुल नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, काउंटर फैक्चुअल एक हिस्ट्री होती है, आप कल्पना करते हैं कैसा हो। कल भी थे आदरणीय शरद जी, उनके साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा आजकल जब मैं अम्बेडकर, नेहरू, गांधी
इन लोगों की चर्चा या लोहिया की चर्चा करता हूं तो मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि उन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर क्या लिखा, स्त्री मुक्ति पर क्या लिखा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आज लोहिया आ जाए, बाबा साहब वापस आ जाए, तो हमारे आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आज बाबा साहब और गांधी दोनों आ जाए ना, कुछ और हो या ना हो, पूना पैक्ट पर फिर से चर्चा होगी, फिर से चर्चा होगी। तो ये आपको एक संकेत देता है। बस मैं इतने कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, बाकी लोगों को सुनिए। मैं तो आपके विश्वविद्यालय का हूं, कभी भी आ जाइए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में हम बैठ के बात करेंगे। बस इतना रखिए, कभी किसी को देवता मत बनाइए, भगवान मत बनाइए, इंसान की तरह। और मुझे अद्भुत आश्चर्य हुआ, इसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेसी डायलॉग। ये लिखने की अगर जरूरत पड़ जाए कि डेमोक्रेसी में डायलॉग का क्या महत्व है, तो आप ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी को जॉन्डिस हो गया है, और वो भी बहुत आगे की चीज है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सबका। थैंक यू, इंकलाब जिंदाबाद।